Congress leader Kapil Sibal, during a press conference on Monday, targeted Prime Minister Narendra Modi for his foreign trips and urged him not to damage India's reputation in international community. During the press conference, Congress veteran also gave diplomacy tips to Modi. He said, "Duniya ki sair kar li. Switzerland chale gaye, Mexico chale gaye, saathmi baar Obama ko mil liya. Tashkent pahunch gaye. Hamare rashtrapati ji bhi gaye, Cheen gaye. Foreign secretary Seoul chale gaye. Matlab ke kitni yatraen ho rahi thi. Ab aise foreign policy conduct hoti hai?" फिर ऐलान कर दिया कि मेक्सिको हमारे साथ है, स्विट्जरलैंड हमारे साथ है, वो पता चला था कोई भी नहीं साथ। आपको क्या कहने की जरूरत है कि मेक्सिको हमारे साथ है या स्विट्जरलैंड हमारे साथ? आपको जरूरत क्या है? आप चुपचाप अपनी बातचीत कीजिए। और प्रधानमंत्री को ताशकंद जाना ही नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट शी को तब मिलना चाहिए उनको जब सारा पैक्ट सील हो गया हो, केवल अनाउंसमेंट के लिए। ये होती है डिप्लोमेसी। अब इनको अनुभव है नहीं, क्योंकि इनको टीवी शो, टीवी में तस्वीर आए, उनके सबसे दिलचस्पी ज्यादा है। तो मैं आग्रह करूंगा कि हिंदुस्तान का नाम मत गिराओ ऐसे। उसका जो स्टेटस है इंटरनेशनल कम्युनिटी, उसमें गिरावट मत लाओ इस किस्म का लाइट एंड साउंड शो से। ही ऑल्सो सेड, यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि आपको ये करने की जरूरत क्या है? आपको क्या मिलेगा एनएसजी से जो आपको मिल चुका है? 1-2-3 अग्रीमेंट जब हुआ तो हाइड एक्ट में यूएस सेनेट और कांग्रेस ने संशोधन किया, 2006 हाइड एक्ट में, एटॉमिक एनर्जी एक्ट यूएस का 1954 का, उसमें संशोधन हुआ। वो एक ऐतिहासिक कदम था जो यूपीए सरकार ने करके दिखाया, बिना शो के, बिना पॉम्प एंड शो के। उसमें हमें एक्सेप्शन मिल गया, उस एक्सेप्शन के साथ हमें ड्यूअल टेक्नोलॉजीज मिल सकती हैं। तो इसीलिए यशवंत सिन्हा ने कहा कि आपको जरूरत क्या है? अगर आपको जरूरत है भी, और मैं समझता हूं कि हाँ हमें आना भी चाहिए एनएसजी में, लेकिन आप उसको एक धीमी गति के साथ, एक शोर स्टेप्ड पॉलिसी के साथ, डिप्लोमेसी के साथ आगे बढ़ो। और जब तक पूरी तरह से सहमति ना बने तब तक अनाउंसमेंट मत करो। INS report.